જય શ્રી રામ. પહેલી બાર હનુમાન ચાલીસા કા વર્ણન ભાવાર્થ કે સાથ, સ્વર તિલકરાજ શિવરામ, પ્રવક્તા રોહિત રાઠોડ ઓર સંગીત અમિત રાજ. તો પ્રસ્તુત હૈ શ્રી હનુમાન ચાલીસા. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી, બરનો રઘુબર બિમલ જસુ જો દાયક ફલચારી. બુદ્ધિહીન તનુ જાન કે સુમિરો પવન કુમાર, બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી હરહુ કલેશ વિકાર. શ્રી ગુરુજી મહારાજ કે ચરણ કમલો કી ધૂલી સે અપને મન રૂપી દર્પણ કો પવિત્ર કરકે શ્રી રઘુવીર કે નિર્મલ યશ કા વર્ણન કરતા હૈ, જો ચારો ફલ ધર્મ અર્થ કામ ઓર મોક્ષ દેને વાલા હૈ. હે પવન કુમાર, મેં આપકા સ્મરણ કરતા હું. આપ તો જાનતે હૈ કે મેરા શરીર ઓર બુદ્ધિ નિર્બલ હૈ. મુજે શારીરિક બલ સદબુદ્ધિ એવં જ્ઞાન દીજીએ ઓર મેરે દુઃખો વ દોષો કા નાશ કર દીજીએ. જે હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જે કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર. રામ દૂત અતુલિત બલ ધામા, અંજની પુત્ર પવન સુત નામા. શ્રી હનુમાનજી આપકી જય હો. આપકા જ્ઞાન ઓર ગુણ યથા હૈ યે કપીશ્વર, આપકી જય હો. તીનો લોકો સ્વર્ગલોક ભૂલોક ઓર પાતાલોક મે આપકી કીર્તિ હૈ. હે પવન સુત અંજની નંદન, શ્રી રામદૂત આપકે સમાન દૂસરા કોઈ બલવાન નહીં હૈ. મહાવીર વિક્રમ બજરંગી, કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી. કંચન વરણ વિરાજ સુબેસા, કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા. હે મહાવીર બજરંગબલી, આપ વિશેષ પરાક્રમ વાલે હૈ. આપ દુર્બુદ્ધિ કો દૂર કરતે હૈ ઓર અચ્છી બુદ્ધિ વાલો કે સહાયક હૈ. આપ સુનહલે રંગ સુંદર વસ્ત્રો, કાનો મે કુંડલ ઓર કુંગરાલે બાલો મે સુશોભિત હૈ. હાથ વજ્ર ધજા વિરાજે, કાંધે મૂંજ જનેઉ સાજે. શંકર સુવન કેસરી નંદન, તેજ પ્રતાપ મહાજગ વંદન. આપકે હાથ મે વજ્ર ઓર ધ્વજા હૈ, તથા કંધે પર મૂંજ કા જનેઉ શોભાયમાન હૈ. હે શંકર કે અવતાર, હે કેસરી નંદન, આપકે પરાક્રમ ઓર મહાન યશ કી સંસાર ભર મે વંદના હોતી હૈ. વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર, રામ કાજ કરીબે કો આતુર. પ્રભુ ચરિત્ર સુનબે કો રસિયા, રામ લખન સીતા મન બસિયા. આપ પ્રકાંડ વિદ્યા નિધાન હૈ, ગુણવાન ઓર અત્યંત કાર્યકુશલ હોકર શ્રી રામ કાજ કરને કે લિયે ઉત્સુક રહેતે હૈ. આપ શ્રી રામ કે ચરિત્ર સુનને મે આનંદ રસ લેતે હૈ. શ્રી રામ સીતા ઓર લક્ષ્મણ આપકે હૃદય મે બસતે હૈ. સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સી યહી દિખાવા, વિકટ રૂપ ધરી લંક જરાવા. ભીમ રૂપ ધરી અસુર સંહારે,
रामचंद्र के काज सवारे। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता माँ को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र के उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की ने बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को झिलाया, जिससे रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। हे पवनसुत, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, बस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पद दीना। यम कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिससे कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग शास्त्र जो जन पर भानु, मिल्योता ही मधुर फल जानू। आपके उपदेश का विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, उस हजारों योजन की दूरी पर सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल धिलांधी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। आपने रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन काम है, वे सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम दुवारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आपको प्रसन्न करना आवश्यक है। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं रहता।
आपन तेज संहारो आपे तीनो लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आपकी सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं हे पवन पुत्र आपका महावीर हनुमान जी नाम सुनकर भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास भी नहीं आ सकती नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं हे हनुमान जी विचार करने में कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है उनको सब दुखों से आप दूर कर देते हैं सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया जिस पर आपकी कृपा हो ऐसा जीवन में कोई भी अभिलाषा करे तो उसे तुरंत फल मिल जाता है जीव जिस फल के विषय में सोच भी नहीं सकता वह मिल जाता है अर्थात सारी कामनाएं पूरी हो जाती है चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आपका यश चारों युगों सतयुग त्रेता युग द्वापर युग तथा कलयुग में फैला हुआ संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है हे श्री राम के दुलारे आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हे हनुमंत लाल जी आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां यानी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबर पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं अनंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा हे हनुमान जी
आपकी सेवा करने से सब प्रकार से सुख मिलते हैं। फिर किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। भगवान शंकर ने यह चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।